नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अखबारों में रोज आप सुन रहे हैं कोई ना कोई एक नया मामला ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा हुआ। आज मैं आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि इनसे बचने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान रखने की जरूरत है। इस वीडियो को आपको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है ताकि लोग ऐसे किसी भी फ्रॉड में फंसने से बचें। एक घटना आपने सुनी होगी हाल फिलहाल की, जहां एक कारोबारी से 7 करोड़ रुपए लूट लिए। सीबीआई का अधिकारी बनके उनको कॉल लगाया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की भी फेक बैठक दिखाई गई। ऑनलाइन हियरिंग में उस आदमी को बुलाया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सुनाए गए और उसके बाद उस आदमी से पैसे लूट लिए गए। ये कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आपको जानना सुनना समझना ही नहीं चाहिए, इसके बारे में लोगों को भी बताना चाहिए। एक घटना अभी हाल फिलहाल में हुई, जहां एक माँ को, जो कि ऑलरेडी स्कूल में शिक्षक है, मतलब पढ़ी लिखी महिला है, उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, मतलब मैच्योर महिला वो है, उनको फोन लगाया किसी ने और कहा कि आपकी लड़की को सेक्स रैकेट में गिरफ्तार किया गया है। जैसे ही ये मैसेज उन तक पहुंचा, हार्ट अटैक से महिला की मौत हो गई। वहीं हाल फिलहाल का एक मैटर और है, जहां पर एक आदमी को फोन लगाया और कहा कि आपके लड़के को सेक्स स्कैंडल में पकड़ा है और हम इसको छुड़ाने के लिए आप कुछ पैसे अकाउंट में डाल दीजिए। जिस आदमी के पास फोन आया था, उसके बच्चे की उम्र 4 साल थी, वो घर पर ही था, लेकिन फोन लगाने वाले को ये नहीं पता था। उन्होंने फोन लगाकर पूछा कि क्या आपका एक लड़का है, और आंसर मिला होगा हाँ, इन्होंने कहा होगा उसको हमने सेक्स रैकेट में गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे वाले कॉल्स जब कभी भी आपके पास आते हैं तो बहुत जरूरी है एक बार शांत मन से चीजों को समझिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति के पास कॉल आया जो दिल्ली का ही रहने वाला है कि आपके नाम पर एक सिम जो है, उस नंबर से आपके नाम पर एक सिम लिया गया है और उस सिम से कुछ मैसेजेस भेजे गए हैं जो कि आपत्तिजनक हैं, अश्लील मैसेजेस हैं। आपको बता दूं, क्या आपत्तिजनक अश्लील मैसेज भेजना इतना बड़ा अपराध है कि सीबीआई आपको कॉल करेगी, या पुलिस स्टेशन से थाना इंचार्ज आपको फोन लगाते बैठेंगे, या ईडी वहां पर सुनवाई करने लग जाएगी? तो मेरी बात ध्यान से समझने की बस जरूरत इतनी है कि अगर ऐसा कोई भी कॉल आपके पास आया है तो आपको कहना चाहिए मैं अपने वकील से बात करता हूं, आप उनको डिटेल डॉक्यूमेंट मंगवाइए। एक इंदौर में ही ऐसा हुआ कि यहाँ के एक साइंटिस्ट को ऐसा कॉल आया था और वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे अरेस्ट वारंट भेजिए, तो उनके पास बकायदा फेक एक वारंट भी भेजा गया। मतलब वो जो फ्रॉड कर रहे हैं ऑनलाइन, वो इतने ज्यादा चालाक हैं कि वो इस हद तक जा रहे हैं कि एक अरेस्ट वारंट भेजा गया, मोबाइल पर वारंट भेजा गया। तो मेरा कहना यह है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपको भेजा जा रहा है तो किसी वकील मित्र से मिलें। कहा भी जाता है कि जीवन में काला कोट और सफेद कोट से पाला कभी नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि एक काला कोट वाला और एक सफेद कोट वाला अगर मित्र हो तो आपका जीवन आसान हो सकता है। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये बात और है कि मेरी व्यस्तताएं बहुत सारी हैं, उसके बावजूद अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल आता है, ऐसा कोई मैसेज आता है या ऐसा कोई आपको डॉक्यूमेंट मिलता है तो आप हमें connect.mmjoshi@gmail.com पे भेज सकते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि 24 घंटे के भीतर आपको मैं वो रिप्लाई दे सकूं। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है, कुछ भी हो जाए किसी के अकाउंट में पैसे मत ट्रांसफर करिए। अगर आपने कोई अपराध किया भी है तो पुलिस आपसे पैसे लेकर सेटलमेंट नहीं करेगी, पुलिस अरेस्ट करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और आपको कोर्ट में पहुंचाएगी। सीबीआई आपको अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहेगी। ये सब कई तरह के फ्रॉड लोग किए चले जा रहे हैं और इसके लिए बस एक काम करने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा जागने, थोड़ा समझदार होने की जरूरत है। तो ऐसे कुछ घटनाएं लगातार समाज में घट रही हैं और लोग करोड़ों रुपए ऐसे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं सिर्फ ऐसी कुछ बातों के लिए जो लगता है उनको कि अपराध है। सीबीआई, ईडी, पुलिस, ये सब बनकर लोगों को कॉल लगाया जा रहा है। कुछ बातों को नोट कर लीजिए कि आप ऐसे फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला, अननोन नंबर से आए कॉल्स को मत उठाइए, कोई भी अननोन नंबर हो कॉल मत उठाइए। अगर आपके व्हाट्सएप कॉलिंग आपके पास आ रही है अननोन नंबर से तो व्हाट्सएप कॉलिंग मत उठाइए, अननोन नंबर से कॉल नहीं उठाकर आप पहले नंबर पे बच सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास कोई लिंक भेजा जाता है तो लिंक पर क्लिक मत कीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तो अगर आपका कोई बच्चा आपके शहर के बाहर रह रहा है, बाहर पढ़ रहा है, तो उसके किसी एक दो मित्र का नंबर अपने पास रखिए कि अगर आपके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आए तो कम से कम उसके फ्रेंड को कॉल करके आप इस बात को कंफर्म कर सकें। कोई तो एक तरीका निकालना होगा, अदरवाइज ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड में फंस कर कई सारे लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। कुछ बातों को ध्यान से समझिए, ऐसे किसी फ्रॉड की जानकारी आप तक पहुंचती है तो लोगों तक फैलाइए। मेरी समझ ये कहती है कि जागरूकता ही बचाव है।
अगर आपके पास इन चीजों के बारे में जागरूकता होगी तो आप बचाव कर पाएंगे, आप बच पाएंगे। अंत में फ्रॉड किस तरह से हो सकते हैं उसका एक लाइव एग्जाम्पल देकर के अपनी बात को खत्म करता हूं। मेरे ही साथ ऐसा हुआ कि मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ किताबें मंगवाई। जब बुक्स मेरे पास आई तो किताबों के बाद अगले एक या दो दिन के भीतर मेरे पास फ्लिपकार्ट के लेटर हेड पर ही एक मैसेज आया कि आपने ये प्रोडक्ट यहां से मंगवाया था फ्लिपकार्ट से और इसलिए आपका नाम लकी ड्रॉ में निकला है और आप कैश प्राइज जीत रहे हैं, नीचे स्क्रेच कार्ड है इसे स्क्रेच कीजिए। मैंने जब उसे स्क्रेच किया तो वहां लिखा था 10 लाख रुपए नकद इनाम आपको मिल रहा है। मैंने जब उस नंबर पे कॉल लगाया तो उस तरफ जो व्यक्ति था वो बोल रहा था कि हम फ्लिपकार्ट से बात कर रहे हैं और आपके नाम पर जो अमाउंट निकला है आप वो क्लेम अमाउंट हमें बताइए और कुछ डॉक्यूमेंट बताया उसने, ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। और साथ ही उसने कहा कि मैं एक लिंक भेज रहा हूं, उस लिंक पे जाकर आपको फॉर्म में अपनी डिटेल भरनी पड़ेगी क्योंकि हर किसी को अलग अलग अमाउंट मिल रहा है, हमको नहीं पता आपको कितने रुपए मिल रहे हैं। उसने पूछा भी कितने रुपए मिल रहे हैं, तो मैंने बताया इसमें 10 लाख रुपए लिखे हुए हैं। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आपको लिंक भेज दिया है, आप इस पे जाके फॉर्म भर दीजिए और डॉक्यूमेंट भी आप हमको भेज दीजिए। उसमें कुछ अकाउंट डिटेल्स थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसे कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे। मैंने उस व्यक्ति से कहा, मेरे भाई आप कहाँ हो मुझे बताओ, मैं ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली लाकर जमा करता हूं और फॉर्म भी मैं आके वहीं भर दूंगा। वो कह रहा है हम तो मुंबई में है, आप कहाँ है बताइए। मैंने कहा मेरे भाई 10 लाख रुपए के लिए भारत के किसी भी कोने से मैं पैदल चलकर आ जाऊंगा आपके पास में। आप सोचिए किस लेवल पर फ्रॉड हो रहा है। इसके बाद या तो वो फोन कट कर देता है व्यक्ति और नंबर बंद कर लेता है, या उसके बाद उधर से गालियां बकना शुरू करेगा। उन लोगों को डर भी नहीं है। इंदौर में साइंटिस्ट के साथ जो फ्रॉड की घटना हुई आपको बताऊं, उसमें उन लोगों ने कहा कि 7 लाख रुपए साइंटिस्ट से ट्रांसफर करवाए और कहा कि नियरेस्ट थाने से जाकर इसकी रसीद ले लेना। मतलब वो डर नहीं रहे, वो कह रहे हैं जाकर थाने में बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। मेरी समझ कह रही है कि साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है उसको थोड़ा और इक्विप्ड होना पड़ेगा, जनता का भरोसा जीतना पड़ेगा और आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक प्रसारित कीजिए, अधिकतम लोगों तक भेजिए ताकि लोग जागरूक हों। जैसा कि मैंने कहा, जागरूकता ही बचाव है। नमस्कार, जय हिंद।